मेरा नाम है सोनाली शर्मा और मैं सिक्स सेम से हूँ। मतलब सिक्स सेम में अभी हम जाना था, हमें एडमिशन लेनी थी, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये नोटिस आया हुआ है कि जिन बच्चों के मतलब फर्स्ट और थर्ड सेम क्लियर नहीं है वो इसमें एलिजिबल नहीं है सिक्स सेम में। ठीक है, अगर इनको ये रूल बनाना था तो ये फिफ्थ सेम में बनाते तो हमारा हम मतलब एक साइड हो जाते ना, एक साल बचता हमारे लिए। और जो बच्चे हैं इतनी दूर से हम सफ़र होके आते हैं, मानसर से आते हैं हम इतनी दूर से, मतलब एक डेढ़ घंटा हमें आने के लिए लगता है, इतनी दूर से सफ़र होके आएंगे हम, 6 महीने हम आए हैं। ठीक है, अब हम एक साल पहले वेस्ट करेंगे, पिछले सेम अपना क्लियर करेंगे, फिर हम 6 महीने के लिए इधर कॉलेज आएंगे क्यों? और जो हमने फीस दी है इनको वो किसके लिए दी हुई है? यहाँ तो ये फिफ्थ सेम में ये रूल बनाते ना कि जिनका फर्स्ट और थर्ड क्लियर नहीं है आप फिफ्थ सेम में एडमिशन मत लो, तो वो बनता था। ठीक है, उसमें था कि नहीं ये सही है, जो भी रूल है सही है। अब हम 6 महीने कॉलेज आए हैं, अब ये बोलते हैं कि अब आप मत आओ, तो ये थोड़ी बनता है। हम मतलब इतने बच्चे सफर हो रहे हैं, ये सारे बच्चे तो इधर कॉलेज आएगा कौन? कौन आएगा यहाँ? मतलब कोई भी रूल है उसका कुछ वो होना चाहिए ना, एक बेस होता है हर रूल का। ऐसे थोड़ी कोई भी रूल, आप हमारी डिमांड ये है कि हमें सिक्स सेम एडमिशन मिलनी चाहिए बस। मेरा नाम मानसी जम्बाल है, हम यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं हम सभी सिक्स सेमेस्टर के हैं। हमें ये बोल अभी हम हाल ही में ये नोटिफिकेशन निकली गई कि जिनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर क्लियर नहीं होगा उनको सिक्स सेम में एडमिशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? अगर नहीं देनी थी तो फिफ्थ सेम में एडमिशन नहीं देनी चाहिए थी इनको। वो इनकी गलती है कि अभी लास्ट टाइम पे आके इन्होंने हमें बोला कि आपको सिक्स सेम में एडमिशन नहीं देनी दी जाएगी। वो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उस टाइम इन्होंने रूल क्यों नहीं निकाला जब हम फिफ्थ सेम में बैठने लगे थे? इन्होंने हमसे पूरी फीस ली गई है, सिक्स और फिफ्थ सेम की पूरी फीस ली, तब भी ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बोली कि हम एडमिशन नहीं देंगे आपको सिक्स सेम में? तब उस टाइम कहाँ थे यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स वगैरह? अब ये क्यों रूल निकाल रहे हैं कि हम इनको एडमिशन नहीं देंगे? वो इनकी गलती है। हमारी ये डिमांड है कि हमें 2 दिन तक ये नोटिस निकाला जाए कि इस एग्जाम में बच्चों को बिठाया जाए और इनको एडमिशन दी जाए। अगर 2-3 दिन तक ये रूल नहीं निकालते यूनिवर्सिटी तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, हम वहाँ तक जाएंगे। अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सड़कों पे आके तो हम वो भी करेंगे, लेकिन इनको हमारी डिमांड माननी ही पड़ेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। ये तो गलत बात है कि हमारा फ्यूचर 3 महीने के लिए ये बर्बाद कर रहे हैं, हम 3 महीने के लिए अपना पूरी लाइफ स्पॉइल कर दें इनके कहने पे। ये तो गलत बात होगी ना हमारे लिए। फिफ्थ सेम में उस टाइम क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पे जो एक जम्मू यूनिवर्सिटी से नोटिस निकला हुआ है जिसमें यह है कि फर्स्ट और थर्ड जिसका पूरा क्लियर होगा तो उसको ये सिक्स में बैठने की परमिशन मिलेगी, एलिजिबल होगा वो बैठने के लिए। तो सर ऐसे ये लास्ट ईयर की जो एडमिशन है वो होती है हमारी फिफ्थ में, तो अगर इन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट करना हो उस वक्त होना चाहिए था जब हम लास्ट ईयर में आए हैं, क्योंकि अगर यहाँ तो ये सेमेस्टर वाइज अगर एडमिशन रखी होती तो इनकी ये बात समझने काबिल होती कि ठीक है इसका कोई बेस है कोई डिसीजन का, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने एडमिशन लेते हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में, क्राइटेरिया उस वक्त सेलेक्ट होना चाहिए था, एडमिशन फीस इन्होंने ले ली हुई है। बीच में कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन फीस तक ली हुई है, लेकिन अभी जब यहाँ पे हम सिक्स सेमेस्टर में बैठेंगे यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होती, डायरेक्ट एंट्री होती है यहाँ पे, तो उस वक्त इन्होंने एक ऐसा बेतुका कोई डिसीजन दिया हुआ है यहाँ पे कि सिक्स सेमेस्टर में जाने के लिए फर्स्ट और थर्ड इनको क्लियर चाहिए। तो सर हमारा यही है कि हम बच्चों को ये जो ये डिसीजन रिवोक किया जाए, वापस लिया जाए और बच्चों को इंसाफ दिया जाए और उन्हें सिक्स सेमेस्टर में बैठने की परमिशन दी जाए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर में इंसान आगे दे सकता है, बच्चे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे दे सकते हैं एग्जाम। अगर इन्होंने यही करना है तो उस बच्चे का क्या होगा जो वहाँ पे एग्जाम, क्योंकि सेमेस्टर में इतने एग्जाम होते हैं, एक आध एग्जाम रह जाए कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो कि कोई हेल्थ इशू की वजह से कोई किसी इशू की वजह से रह जाता है एग्जाम,
लेकिन अगर उन्होंने यही करना है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है, तो ये कैसा सिस्टम बनाया उन्होंने, फिर इनको कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि ये इस डिसीजन को रिवोक किया जाए और बिना किसी क्राइटेरिया के सिक्स सेमेस्टर में बच्चे को बैठे दिया जाए। वो नहीं मानते हैं, दो दिन का हम टाइम देते हैं, उसके बाद जो बच्चे जिनका क्लियर भी है वो सभी हमारे साथ हैं और हम क्लासेस बायकॉट करेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम सड़कों पे आएंगे। हर कॉलेज में हमारी बात हुई है, बच्चे बहुत ही आक्रोश में हैं, बहुत ही गुस्से में हैं बच्चे। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करेंगे, उससे आगे जाने की जरूरत पड़ी हम गवर्नर हाउस तक जाएंगे, लेकिन हम अपना हक लेकर छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने हक के लिए लड़ना आता है। ये सांबा जो है ये कॉलेज ऐसा ही नहीं है, सांबा शूरवीरों की धरती है, हमें आता है अपना हक के लिए लड़ना।